नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें बातें साहित्य की चैनल को और प्रेस करें इस आइकन को ताकि आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर में इंडियन पॉलिटी पार्ट से। कमीशन एवं बोर्ड्स एट नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न आयोग एवं बोर्ड, इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आज हम पहले आयोग की बात करेंगे जिसमें वित्त आयोग के बारे में हम बात करते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग वह आयोग होता है जिसका संविधान में उल्लेख होता है। अनुच्छेद 280 और 281 में वित्त आयोग के बारे में प्रावधान है। तो आइए चर्चा करते हैं हम वित्त आयोग की। संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 280 व 281 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के संगठन का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। इस प्रकार संविधान में अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात और देख लें कि जो वित्त आयोग में अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त किए जाते हैं उनकी योग्यताएं क्या है। अगर हम योग्यताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले तो योग्यता यही है कि वह अनुभवी होना चाहिए, यानी सरकार के जो कार्य हैं उन कार्यों को किया हुआ ऐसा व्यक्ति जो सभी बातों से अवगत हो, ऐसा अनुभवी व्यक्ति उसमें अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसकी अन्य योग्यताओं में देखा जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या योग्य हो न्यायाधीश बनने के या नियुक्त करने के रूप में उनकी योग्यता पूरी करते हों। दूसरा, सरकार के वित्त और खातों के विशेष ज्ञान रखते हों, शासन प्रबंधन या वित्तीय मामलों में व्यापक अनुभव हो तथा अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो अध्यक्ष व सदस्य के पदों पर इनकी नियुक्ति की जा सकती। अगर इनकी हम अयोग्यता की बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति जो अस्वस्थ मन के हैं, दिवालिया हैं और उनका स्वयं का कोई हित उसके अंदर विद्यमान हो, ऐसे व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता। भारत में सर्वप्रथम 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कैसे नियोगी थे। अब तक इसी प्रकार के 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पाई वी रेड्डी हैं जिन्होंने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2015 से 2020 के लिए है। 14वां वित्त आयोग जिसका गठन 2 जनवरी 2013 को हुआ था उसकी ये सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक रहेंगी और 2020 के अंदर यह आयोग समाप्त हो जाएगा और फिर 15वें वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशें लागू हो जाएगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह को बनाया गया है जिसकी सिफारिशें वर्ष 2020 से 2025 के लिए होगी। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। वित्त आयोग राष्ट्रपति को कौन कौन सी सिफारिशें देता है? पहली जो इसकी सिफारिश है वो यह है कि संघ और राज्यों के बीच करों से प्राप्त आय का वितरण, यानी ये वितरण किस प्रकार किया जाएगा। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताएगा। यहाँ हम बात करें कि भारत की संचित निधि कौन सी है, तो संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में प्रावधान है। यह ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर राजस्व जमा, लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला, जमा व भारित नहीं किया जा सकता है। अर्थात सरकार को प्राप्त सभी राजस्व बाजार से लिए गए ऋण और स्वीकृत ऋणों पर प्राप्त ब्याज संचित निधि में जमा होते हैं।
नेक्स्ट इसकी जो सिफारिश है वो है, सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए इसमें आवश्यक उपाय जो किए गए हैं उसके बारे में भी वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। अगर हम वित्त आयोग के कर्तव्यों की बात करें तो इसका पहला कर्तव्य है केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व के समुचित बंटवारे के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना। दूसरा इसका जो कर्तव्य है वह कर्तव्य है केंद्र व राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में सिफारिश करना। तीसरा इसका कर्तव्य है राज्यों में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिश करना। चौथा जो इसका कर्तव्य है वह राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिश करना। केंद्र व राज्यों के बीच किए गए किसी समझौते को लागू या परिवर्तित करने के संदर्भ में सिफारिश करना। एवं अंत में अन्य ऐसे मामले जो राष्ट्रीय वित्त में संवर्धन के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर इसे सौंपे जाए। तो इस प्रकार ये कुछ कर्तव्य हैं वित्त आयोग के जो वित्त आयोग ध्यान में रखता है और इनके आधार पर ही अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रपति को सौंपता है। आइए हम बात करते हैं अब तक के वित्त आयोग के बारे में कि कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में बना जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी रहे और इसकी कार्य अवधि जो थी वो 1952 से 1957 के मध्य रही। दूसरा वित्त आयोग 1956 के अंदर बना जिसके अध्यक्ष के संतानम थे और इसकी अवधि 1957 से 1962 के मध्य रही। तीसरा वित्त आयोग 1960 के अंदर बना जिसके अध्यक्ष ए के चंदा और इसकी कार्य अवधि 1962 से 1966। चौथा वित्त आयोग 1964 के अंदर बना जिसके अध्यक्ष पी वी राजमन्नार थे और इसकी कार्य अवधि 1966 से 1969 तक की रही। पांचवा वित्त आयोग 1968 में महावीर त्यागी की अध्यक्षता में बना जिसकी कार्य अवधि 1969 से 1974 के मध्य रही। छठा वित्त आयोग 1972 में बना जिसके अध्यक्ष के बी रेड्डी थे और इस वित्त आयोग की कार्य अवधि 1974 से 1989 रही। सातवां वित्त आयोग 1977 में बना जिसके अध्यक्ष जे एम शैलथ और इसकी कार्यवाही अवधि 1979 से 1984 रही। आठवां वित्त आयोग 1983 में बना जिसके अध्यक्ष वाई वी चौहान रहे और इसकी कार्य अवधि 1984 से 1989 तक रही। नवा वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष एन के पी सालवे थे यह 1987 में बना और इसकी अवधि 1989 से 1995 तक थी। दसवां वित्त आयोग 1992 में बना जिसके अध्यक्ष केसी पंत और इसकी कार्यवाही अवधि 1995 से 2000 रही। ग्यारहवां वित्त आयोग 1998 में जिसके अध्यक्ष ए एम खुशरो रहे और 2000 से 2005 इसकी कार्यवाही अवधि रही। बारहवां वित्त आयोग 2002 के अंदर बना जिसके अध्यक्ष सी रंगराजन और इसकी कार्यवाही अवधि 2005 से 2010। तेरहवां वित्त आयोग 2007 के अंदर बना डॉक्टर विजय केलकर इसके अध्यक्ष रहे और इसकी अवधि 2010 से 2015 तक रही। विजय केलकर पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव भी रह चुके हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के। इसके बाद चौदहवां वित्त आयोग बना 2013 में जिसके अध्यक्ष डॉक्टर वाई वी रेड्डी रहे और यह 2015 से 2020 तक इसकी कार्रवाई अवधि रहेगी। चौदहवें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इसके बाद अब वर्तमान में 15वां वित्त आयोग अस्तित्व में है जो कि 27 नवंबर 2017 को इसका गठन हुआ। एन के सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए और इस वित्त आयोग का जो कार्यवाही अवधि है वो 2020 से 2025 तक इसकी रहेगी। एन के सिंह यह पूर्व में फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इसके अगर अन्य सदस्यों की बात की जाए
तो शशिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिरी, डॉक्टर रमेश चंद इसके अन्य सदस्य हैं। शशिकांत दास और डॉक्टर अनूप सिंह ये इसके फुल टाइम मेंबर हैं, जबकि डॉक्टर अशोक लाहिरी और डॉक्टर रमेश चंद इसके पार्ट टाइम मेंबर हैं। इसमें जो सेक्रेटरी हैं वर्तमान में वो अरविंद मेहता है। तो इस प्रकार दोस्तों यह वित्त आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे के वीडियो में हम अन्य जो अन्य विभिन्न आयोग हैं, बोर्ड हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दीपावली की आपको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।